तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 18/9/2022 को अपने एक एकड़ खेत में 56 कद्दू की बुआई कराई थी, और ये मेरा प्लाट है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। बहुत अच्छा इसका ग्रोथ है और बहुत अच्छा प्लाट भी है, और सबसे अच्छी बात है ये 30-32 दिन का भी हुआ है। और हर प्लांट में जो पौधे हैं, हर प्लांट में फूल बहुत अच्छी तरीके से आए हैं। सबसे अच्छी बात है 2 फल 3 फल हर पौधे में आ चुके हैं। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 1 महीने में मेरी ये हार्वेस्टिंग हो जाएगी, और हार्वेस्टिंग होने के बाद हम इस खेत में दूसरी भी फसल का चुनाव कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यही है कि हमें ऐसी खेती का चुनाव करना चाहिए कि जो कम समय में तैयार हो जाए और हमें अच्छा मुनाफा दे। अब आप ये मान के चलिए कि 1 महीने में हार्वेस्टिंग होने लगेगी, तो रेट ठीक ठाक रहने का चांस ज़्यादा है, तो अच्छा मुनाफा इससे हो जाएगा। और हम इसमें दूसरी फसल के रूप में टमाटर खेती करेंगे, तो 3-4 महीने में वो भी फसल तैयार हो जाएगी। तो आप ये समझिए कि 6 महीने में 2 खेती हो जाएगी और मुनाफा भी अधिक हो जाएगा। इसके लिए हम कौन सी सावधानी बरतें, तो हमने मल्चिंग पेपर पर इसको लगाया था, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने मल्चिंग पेपर पर लगाया था इसको, तो मल्चिंग पेपर पर दोनों तरफ लगाया था जिगजैग तरीके से। तो जिगजैग में बात यही है कि सावधानी यही हमें रखनी है कि बीच में एक खूंटा दे देना है, बांस दे देना है, और बांस में उसको वायर खिंचा देना है, जैसे हम टमाटर की बंधाई करते हैं और उसी हिसाब से हम इसकी बंधाई किए हैं। तो वो जो प्लांट हैं 56 कद्दू के प्लांट को हम इस पर बांध दिए हैं सुतरी से, तो जिससे इधर उधर प्लांट जाएंगे नहीं, नहीं तो अगर हम ये ध्यान नहीं देंगे तो हमारे प्लांट नाली के दोनों तरफ गिर जाएंगे। जब नाली में दोनों तरफ गिर जाएंगे तो जो उसमें फल लगे होंगे तो उसमें सड़न आ जाएगा, तो या तमाम प्रकार की फंगस या रोग आने की संभावना है। तो इसके लिए हम थोड़ा सावधानी बरतें, और